हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। कुछ लोगों ने अभी मैसेज किया टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पर मैं टेस्ट लेता हूँ कि सर इकोनॉमी समझ में आती नहीं है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को समझ में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है कि आप उसको अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा टर्म है जिसे बोला जाता है नकदी आरक्षित अनुपात, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो कैश रिजर्व रेशियो। यह कैश या नकदी आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और ना सिर्फ कैश रिजर्व रेशियो से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बल्कि SLR से भी आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी आते हैं, रेपो रेट से भी आते हैं, रिवर्स रेपो रेट से भी आते हैं, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है उससे भी आते हैं, कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है उससे भी आते हैं। हर तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए संकुचन क्या होगा, बढ़ेगा तब क्या होगा, मतलब मॉनिटरी कैसे जो आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो कैसे एक्सपेंड करेगी, फैले ही कैसे, या उसको किस प्रकार से सिकोड़ा जाता है, ये सब पूछा जाता है एक एग्जाम में। और हम डर के मारे भाग खड़े होते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो समझ में ही नहीं आ रहा। नकदी आरक्षित अनुपात मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमी पढ़नी कैसे। देखिए समझिए, नकदी आरक्षित अनुपात का मतलब होता है कि बैंक को टोटल अमाउंट का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके पास संरक्षित रखना होगा, उसके पास रिजर्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नकदी संरक्षित अनुपात मतलब अपने टोटल अनुपात का कुछ परसेंटेज वो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देगा। तो आप कहेंगे ये तो मैं आता है, तो सिंपल सी चीज़ है। तो हम आप उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या, मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक बैंक हूँ, मैं बैंक का मैनेजर हूँ और ये मेरी पूरी बैंक, ये मेरा जो रूम है ये मेरा बैंक है, सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मेरे बैंक की टोटल जो डिपॉजिट है, जो टोटल वैल्यू है वो है 100 रुपया, ये मैं मान के चलता हूँ 100 रुपीज़ है मेरे पास। और RBI ने मुझे आदेश दिया है जनवरी माह में, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे RBI ने जनवरी माह में ये आदेश दिया कि आपको अपने टोटल का जो आपके पास 100 रुपया है उसमें से आपको 4% हमको देना पड़ेगा, हमारे पास जमा करिए, नियम है ये। तो मैंने 100 में से 4 रुपये निकाल के RBI को दे दिए, मेरे पास बचे 96 रुपये। ठीक, अब मेरे पास 96 रुपये बचे हैं और ये मैं जनवरी माह की बात कर रहा हूँ। 3 महीने के बाद मतलब फरवरी मार्च अप्रैल और मई के माह में RBI मेरे पास फिर से आदेश आया है RBI का कि अब आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो नकदी आरक्षण अनुपात 10% है, आपको अब अपने टोटल का 10 रुपये जमा करना होगा। तो मतलब जनवरी में मैंने जमा किया था 4 रुपये, तो मेरे पास 100 में से 4 रुपये गए थे तो बचे थे 96 रुपये, लेकिन मई में मेरे पास फिर से 100 रुपये हैं, तो मुझे हर बार मैं 100 रुपये मान के चल रहा हूँ ताकि समझाने में आसान रहे। मई माह की बात कर रहा हूँ तो 100 रुपये मेरे पास टोटल है, लेकिन RBI ने मुझसे बोला 10 रुपये अब जमा करने हैं, तो मेरे पास अब बचे 90 रुपये। मेरे बैंक हूँ, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं लोगों को लोन बांटने का काम करता हूँ, मेरा काम है लेंडिंग करना, लोगों को उधार देना, लोन देना बस। तो जब मेरे पास 96 रुपये थे, जब जनवरी माह में मुझसे RBI ने बोला था कि 4% कैश रिजर्व रेशियो है, आपका नकदी आरक्षित अनुपात 4% है, तो मेरे पास बचे थे 96 रुपये। और मई माह में मुझसे RBI कहने वाला है आपका कैश रिजर्व रेशियो नकदी आरक्षित अनुपात 10% है, तो मेरे पास बचे 90 रुपये। अभी बताओ, मैं बैंक मैनेजर होकर जब मेरे पास 96 रुपये हैं तब मैं ज़्यादा लोन देने की कोशिश करूँगा कि जब मेरे पास 90 रुपये हैं तब मैं ज़्यादा लोन देने की कोशिश करूँगा? तो आप तुलनात्मक रूप से बोलोगे कि सर जब आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोन ज़्यादा देना चाहोगे और जब आपके पास पैसा कम है तो आप लोन कम देना चाहोगे, यही तो कहोगे आप। मतलब जब मेरे पास 96 रुपये हैं तो मैं लोन बांटूंगा खुले हाथ, लो लोन ले जाओ, आओ लोन ले जाओ, लेकिन जब मेरे पास 90 रुपये हो रहे हैं तब मैं लोन नहीं बांटूंगा क्योंकि मेरे पास रुपये के हिसाब से मुझे लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुलनात्मक रूप से मैं बातें कर रहा हूँ। और जब मेरे पास पैसा बहुत है, जब मेरे पास 96 रुपये था, जब कैश रिजर्व रेशियो 4% था, तो मैं लोगों से कहूंगा आकर लोन लो, और लोन लोग तब लेंगे आके जब इंटरेस्ट रेट लगने वाली ब्याज दर ज्यादा हो कि कम हो। तो आप मुझे बताओगे कि सर अगर ब्याज दर कम होगा तो हम बैंक में जाके लोन उठा लेंगे। भाई अगर ब्याज दर 10% होगा तो आप लोन क्यों लोगे? ब्याज दर अगर 3% हुआ, 4% हुआ तो हम लोन उठा लेंगे तुरंत, क्योंकि हमें ब्याज कम देना है। तो बैंक भी क्या करेगा, मैं बैंक हूँ, मैनेजर हूँ, मैंने कहा कि ब्याज दर गिरा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करूंगा तो कस्टमर खींचा चला आएगा और लोन ले लेगा। कस्टमर ने लोन ले लिया, कस्टमर ने लोन में पैसा लिया। इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन किया, ब्याज दर को मैंने जैसे ही घटाया, कस्टमर
बैंकों में भीड़ लग गई, उन लोगों ने पैसा लेना शुरू कर दिया। एक तरीके से लोगों की जेबों में मनी की सप्लाई, जो मुद्रा की सप्लाई है, वो मैंने बढ़ा दी कि घटा दी? तो आप कहोगे आपने मुद्रा की सप्लाई बढ़ा दी है, मतलब लोगों की जेबों में पैसा पहुंच रहा है बहुत कायदे से। और अगर पैसा भाई उसको किस प्रकार, आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कोई अगर आया है उसको इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है तो वो अपनी फैक्ट्री डाल ले रहा है लोन लेकर, तो इन्वेस्टमेंट तो किसी प्रकार हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका मतलब कस्टमर की जेब में पैसा पहुंच रहा है, और अगर हमारी जेब में पैसा पहुंच रहा है इसका मतलब अगर जेबें भरी हुई हैं तो हम डिमांड भी बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ेगी। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, और अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई, और अगर सप्लाई बढ़ गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे चीज़ों वस्तुओं का जो वैल्यू जो मान है वो बढ़ जाएगा, अपने आप स्वतः बढ़ जाएगा उस समय में। और अगर अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक होगा, अगर उसकी वैल्यू हाइक हो जाएगी अपने आप, मतलब अब तक मैं डिओड्रेंट नहीं लगा रहा था लेकिन जैसे ही मुझे पैसे की मतलब पैसा बहुत, जब मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो मैंने अब क्या किया कि मैं डिओड्रेंट के लिए भाग खड़ा हुआ, डिओड्रेंट लेकर आ रहा हूँ 3-3, 4-4, मतलब डिओड्रेंट की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई कितनी बढ़ा दोगे तो एक दौर ऐसा आएगा कि उस डिमांड के चलते उस वस्तु की वैल्यू, उसका भाव बढ़ जाएगा एकदम अकस्मात रूप से, उसका भाव बढ़ेगा। और जैसे ही भाव बढ़ेगा इसका मतलब जब अनएक्सपेक्टेड राइज इन दी प्राइस होती है, जब किसी चीज वस्तु का प्राइस एकदम से बढ़ जाता, हाइक कर जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि मुद्रा स्फीति आ गई है, इन्फ्लेशन आ चुका है। इसका मतलब कैश रिजर्व रेशियो जब 4% था तो इंटरेस्ट रेट कम किया गया ताकि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, मनी सप्लाई बढ़ गई तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ी तो प्राइस हाइक हुई, और जैसे ही प्राइस हाइक हुई मुद्रा स्फीति भी बढ़ गई। मतलब प्राइस हाइक का संबंध ही मुद्रा स्फीति से, मुद्रा स्फीति बढ़ी हुई है इस टाइम, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं नकदी आरक्षित अनुपात को घटाकर 4% रखा हुआ हूं तो आप खुद कह रहे होंगे कि क्योंकि जेबों में पैसा बहुत ज्यादा है इसका मतलब आपको पैसा फेंकने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे कहा जाता है चीप मनी पॉलिसी, इसे कहा जाता है चीप मनी पॉलिसी। इसका मतलब पैसे की आपके लिए कोई इज्जत नहीं बची, मतलब पैसा आपके लिए कुछ नहीं, आप बाहर आए बहुत सारा पैसा हम फेंकें हम सब कुछ खरीदेंगे, इसका मतलब आपको पैसा प्यारा नहीं उस वक्त में जब आपके पैसे, जब आपकी जेब में पैसा भरा है, तो इसे कहा जाता है चीप मनी पॉलिसी। अब हम आते हैं मई माह में। मई के महीने में जब मुझसे रिजर्व बैंक ने बोला था कि कैश रिजर्व रेशियो 10% होगा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट था 100 रुपए, 10% रिजर्व बैंक ने मुझसे ले लिया, मेरे पास बचा 90 रुपए। मैं जनवरी महीने में जब मेरे पास 96 रुपए थे तो मैं लोन बांटना चाहता था, लेकिन मई के महीने में जब मेरे पास 90 रुपए बचे हैं तो मैं लोन जनवरी माह की तुलना में बांटना नहीं चाहूंगा। इसका मतलब मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा कि घटा दूंगा, तो मैं कहूंगा मैं अपनी ब्याज दर बढ़ा दूंगा कि भैया अब लोन लोगे तो इतना ब्याज लगेगा तुम्हारे पर। इसका मतलब बैंक क्या करना चाह रहा है, बैंक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है अपने ऊपर। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे लोग लोन लेना कम कर देंगे। मैं कहूंगा आपसे कि मनी की सप्लाई, मुद्रा की जो सप्लाई है वो घट गई, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा पहुंच ही नहीं रहा, वो लोन ले नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर उनकी जेबों में पैसा घट गया, इसका मतलब पैसा घटने से क्या होगा, आपकी डिमांड घट जाएगी। अगर आपका डिमांड घट गया तो इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन भी, मुद्रा स्फीति भी कम हो गई। अगर डिमांड घट गई तो सप्लाई घट गई, सप्लाई घट गई तो प्राइस अपने आप नीचे गिरेगा। जैसे ये हुआ इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा, मुद्रा स्फीति नीचे आ जाएगी। मुद्रा स्फीति नीचे आ गई, आपकी जेब में पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, इसका मतलब अब आप चीजों को खरीदने से पहले 50 बार सोचोगे कि डिओड्रेंट लगाना है तो खरीदें कि ना खरीदें। इसका मतलब आप अपने पैसे को प्यार करते हो, आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो। इसे कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी। मतलब जब कैश रिजर्व रेशियो 4% था तब आपको पैसे की कोई कदर नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था, मनी सप्लाई ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, डिमांड ज्यादा थी, इन्फ्लेशन ज्यादा था, इसलिए पैसे की वैल्यू चीप मनी पॉलिसी थी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे ही नकदी आरक्षित अनुपात को 10% किया गया RBI के द्वारा, वैसे ही क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बैंक ने बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट होना कम हो गया, मनी सप्लाई नकदी का जो सप्लाई है वो कम हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस कम हो गया, इन्फ्लेशन नीचे आ गया, और हम पैसे को प्यार करने लगे।
क्योंकि हमें पैसे की वैल्यू पता लग गई है कि इस वक्त पैसे को जेब से फेंक नहीं सकते, पैसा बहुत मुश्किल से हम मतलब उसको बहुत मुश्किल से हम कमा पा रहे हैं। इसे कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी, या फिर मैं मोटे शब्दों में बोलूं तो कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो उस वक्त डियर मनी पॉलिसी लागू होगी, और कैश रिजर्व रेशियो जब घट जाता है तो उसे कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। कैश रिजर्व रेशियो मतलब नकदी आरक्षित अनुपात का डियर मनी और चीप मनी से संबंध है। यही क्वेश्चन आता है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाए, नकदी आरक्षित अनुपात बढ़ा दिया जाए, तो बताइए इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा? अगर नकदी आरक्षित अनुपात घटा दिया जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा? अगर नकदी आरक्षित अनुपात बढ़ा दिया जाए तो डियर मनी की चीप मनी? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी को आप अपने साथ जोड़कर पढ़ने लगेंगे तो आसान हो जाती है, अगर आप उसको बोझ बनाएंगे तो मुश्किल हो जाती है। अब अगर आपको कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ चुका है, नकदी आरक्षित अनुपात जो मैं समझाना चाहता था वो आपके दिमाग में चला गया है, तो आपको अब SLR भी समझ में आ जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। CRR में क्या कर रहे थे, बैंक के पास, बैंक रिजर्व बैंक के पास रखता है पैसा, SLR में क्या करेगा, बैंक अपने पास बचा के रखेगा, अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत वो अपने पास, जैसा RBI कहती है कि 19% 23% यह आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, तो उस प्रकार से वो अपने बैंक अपने पास रखेगा। किस फॉर्म में रखेगा ये बात की बात, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि अगर बैंक का SLR बढ़ेगा तो क्या होगा, और अगर SLR घट जाएगा तो क्या होगा। ये है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने का तरीका। इसी तरीके से इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति भी पढ़ी जाती है, इसी प्रकार से हर चीज, मतलब आप कुछ, अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मुद्रास्फीति का संबंध क्या है बेरोजगारी की दर से, तो हमेशा याद रखिए फिलिप कर्व कहता है, फिर से बोलता हूँ, फिलिप कर्व कहता है कि मुद्रास्फीति इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिलिप कर्व कहता है मुद्रास्फीति व्युत्क्रमानुपाती होती है बेरोजगारी के दर के, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ बनता है उसका, देखो ऐसे ऐसे, ये हाइपरबोला, इस प्रकार से हाइपरबोला। और मुद्रास्फीति की दर अगर बढ़ेगी तो बेरोजगार की दर कम हो जाएगी, और मुद्रास्फीति की दर घटेगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इन्फ्लेशन का होना बहुत जरूरी है, मुद्रास्फीति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। इन्फ्लेशन बढ़ा, बेरोजगारी की दर घट गई, इन्फ्लेशन घटा, बेरोजगारी की दर बढ़ गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके देश में मुद्रास्फीति नहीं है तो उसका विकास धीमा होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुद्रास्फीति 100% कर दो या 60% कर दो। इसीलिए भारत में उर्जित पटेल कमेटी ने बोला कि मुद्रास्फीति टारगेटिंग होनी चाहिए, टारगेटिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए, जो कि है 4 ± 2%, मतलब या तो मिनिमम 2% या तो मैक्सिमम 6%। ये एक सेफ साइड है किसी भी मुद्रास्फीति की, इससे अधिक खराब है, 6 से अधिक और 4-2 से कम बहुत खराब है, ऐसा बोला गया है टारगेटिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक सिंपल सिंपल से टर्म है जिनको आप अपने आप से जोड़ लेंगे तो अर्थव्यवस्था बहुत आसान हो जाती है, अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था कठिन हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से पढ़िए, और दुनिया भर की चीज़ें मत पढ़िए, करंट अफेयर जितना है उतना पढ़िए, उसके साथ ही अर्थव्यवस्था की NCERT की 12वीं की किताब आती है, पतली सी है एकदम, इतनी पतली किताब है, उसमें से सब कुछ आता है। अगर आप उसको सही से पढ़ ले जाएंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा इकोनॉमी का, नहीं तो करंट अफेयर को पढ़ते रहिए इकोनॉमी का, और उससे कोरिलेट करके पढ़िए कि अच्छा FDI चल रहा है आजकल, अच्छा ओके एयर इंडिया में FDI के थ्रू 100% उसका शेयर बेच दिया गया, इसका मतलब ये इस प्रकार से होगा, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि अब डिफेंस के क्षेत्र में हम 49 से बढ़ाकर 71% तक शेयर करने वाले हैं, तो FDI क्या होता है, वॉट इज FII, FPI, ये टर्म को अगर आप करंट के साथ जोड़कर देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यही मैं समझाने के लिए आने वाला था, इसको समझ लीजिए, आपका इकोनॉमी का पोर्शन आराम से कवर हो जाएगा अगर आपने करंट अफेयर के साथ उसको पढ़ा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा इकोनॉमी में, यही ऐसा कहा जाता है। बाकी तो कुछ सेट क्वेश्चन मैंने बार बार का 10 साल क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन जनरली इकोनॉमी के 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो आप आराम से कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को भी ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा। बाकी पढ़ते रहिए।